हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 309 यूनिट सेकंड में 992 ग्राउंड फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने अनबैलेंस्ड या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में तीन तरह के फॉल्ट के बारे में पढ़ा था, जिनमें एक था सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा था डबल लाइन फॉल्ट, तीसरा था डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसमें अपन ने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एनालिसिस कर ली थी और डबल लाइन फॉल्ट एनालिसिस भी कर ली थी। आज हम तीसरी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एज्यूम करके चल रहे हैं अपन कि अपनी जो प्री फॉल्ट कंडीशन है उसमें अपना सिस्टम बैलेंस्ड है एवं वो किसी तरह के लोड से कनेक्टेड नहीं है, यानी ओपन सर्किट सिस्टम है अपने पास में। तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट होगा तीनों फेजों में IR, IY, IB वो क्या होगा, जीरो होगा। तो IR इक्वल टू IY इक्वल टू IB इक्वल टू जीरो होगा। और क्योंकि सिस्टम अपना बैलेंस्ड है तो थ्री फेज वोल्टेज भी अपने बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड का मतलब ये हुआ कि तीनों फेजों के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड समान है एवं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, है ना। ये अपने तीन फेज हैं R, Y, B, ठीक है। हेल्दी कंडीशन में IR, IY, IB इक्वल टू जीरो है, है ना। और अब उन पे एक फॉल्ट ऑकर होता है जिसको डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं। वो वाई और बी फेज के बीच में, वाई और बी फेज दोनों एक साथ मिलके ग्राउंड से टच हो जाते हैं, इसलिए उसको डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एनालिसिस। ये वाई फेज है, ये बी फेज, दोनों यहाँ एक दूसरे से टच हुए और ये ग्राउंड से कनेक्ट हुए, है ना। ग्राउंड से अगर वो किसी एलिमेंट के थ्रू कनेक्ट हुए तो एलिमेंट का कुछ इम्पीडेंस होता है जिसको अपन जेड एफ इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। ये इसको, इस कंडीशन को अपन शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी बोलते हैं। अगर वो डायरेक्ट दोनों मिल के अर्थ से कनेक्ट हो गए उसको अपन डेड शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, है ना। जेड एफ अगर इस केस में जीरो होता है। जब फॉल्ट ऑकर होता है तो उसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं। तो एक कंडीशन तो ये है कि IR इक्वल टू जीरो, यानी हेल्दी कंडीशन में अभी भी इस फेज से कोई सी तरह का कोई फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ। ये अपने जो पहली प्री फॉल्ट कंडीशन में था वैसा ही अब किया हुआ है, तो IR इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट अपना वाई और फी फेज, वाई और बी फेज है जो कि ग्राउंड से टच हुए हैं, तो आई एफ फॉल्ट करंट फ्लो होगा इसमें, वो किसके आई वाई करंट फ्लो हो रहा है और आई बी करंट फ्लो रहा है, इन दोनों करंट के सम के बराबर है। आई वाई भी आ रहा है इधर से, आई बी आ रहा है और इधर से ये जा रहा है, तो ये आई एफ फॉल्ट के बराबर हो। तो आई एफ इजकल टू फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट आई वाई प्लस आई बी के बराबर होगा। वी वाई इजकल टू वी बी, आई एफ इंटू जेड एफ इजकल टू आई वाई प्लस आई बी इंटू जेड एफ के बराबर होगा, ठीक है। यानी जो वोल्टेज है वी वाई वोल्टेज फॉल्ट पॉइंट पे, है ना, वी वी पॉइंट एक फॉल्ट पॉइंट पर, यहाँ से वी वाई इक्वल टू वी वी वोल्टेज है, है ना, वो किसके बराबर है, यहाँ है ग्राउंड, ग्राउंड का जिसका जीरो वोल्टेज होता है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई एफ इंटू जेड एफ के बराबर है। तो वी वाई इक्वल टू वी बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई एफ इंटू जेड एफ इक्वल टू आई वाई प्लस आई बी इंटू जेड एफ के बराबर आ जाएगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दिया है मैंने, इक्वेशन फर्स्ट इन सीक्वेंस कंपोनेंट के। अब इक्वेशन फर्स्ट में वी वाई इक्वल टू वी बी है, उसको अपन सीक्वेंस कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे। तो उसमें वी वाई को लिखेंगे सबसे पहले, वो होगा वी आर जीरो प्लस ए स्क्वायर वी आर वन प्लस ए वी आर टू इक्वल टू वी आर जीरो प्लस ए वी आर वन प्लस ए स्क्वायर वी आर टू के बराबर होगा फ्रॉम द अबव कंडीशन। इस कंडीशन में अपन देखते हैं जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ वी आर वन बराबर आएगा वी आर टू के बराबर आएगा। इसी इक्वेशन फर्स्ट से फिर लेते हैं अपन वी वाई किसके बराबर, वी फॉल्ट वोल्टेज के बराबर था वो आई एफ जेड एफ के बराबर होगा, आई वाई प्लस आई बी इंटू जेड एफ के बराबर होगा। तो यहाँ वी वाई आई वाई और आई बी के भी हम सीक्वेंस कंपोनेंट में इसको अपन लिखेंगे। ठीक है, तो वी वाई आई वाई और आई बी को सीक्वेंस कंपोनेंट की टर्म में अपन लिखेंगे। ठीक है, वी वाई को सीक्वेंस कंपोनेंट की टर्म में वी आर जीरो प्लस ए स्क्वायर वी आर वन प्लस ए वी आर टू, वी वाई जीरो को सीक्वेंस कंपोनेंट, आई वाई को सीक्वेंस कंपोनेंट के रूप में आई आर जीरो प्लस ए स्क्वायर आई आर वन ए आई आर टू, आई बी को आई आर जीरो प्लस ए आई आर वन प्लस ए स्क्वायर आई आर टू इंटू जेड एफ के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वी आर जीरो
अलग हो जाएगा। अपन ने अपने पिछले क्वेश्चन सेकंड में देखा था कि वी आर वन बराबर था वी आर टू के, तो यहाँ वी आर टू की जगह वी आर वन लिख देंगे और वी आर वन को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो वी आर वन कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर प्लस ए बच जाएगा। यहाँ से अपन आई आर जीरो जो के टू आई आर जीरो हो जाएगा है ना, और इनको अपन सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए आई आर वन प्लस ए स्क्वायर ए आई आर टू इंटू जेड एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन थी अपने ए ऑपरेटर की, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए वन इधर चल जाएगा तो माइनस वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वी आर जीरो तो वी आर जीरो होगा, ए स्क्वायर प्लस ए की जगह माइनस लग दिया, वी आर जीरो माइनस वी आर वन इक्वल टू टू आई आर जीरो, टू आई आर जीरो है ना, और ए स्क्वायर प्लस ए की जगह मैंने माइनस लिखा माइनस आई आर वन माइनस आर टू टू जेड एफ के बराबर आया। अब फॉल्ट कंडीशन थी आई आर है ना, फॉल्ट कंडीशन दौरान में एक आई आर इक्वल टू जीरो था, तो उसको सिक्वेंस कंपोनेंट में लिखेंगे तो आई आर जीरो प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आई आर वन प्लस आई आर टू किसके माइनस आई आर नॉट के बराबर आएगा, तो माइनस कॉमन ले लूँगा दोनों में से, तो आई आर वन प्लस आई आर टू होगा है ना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस आई आर जीरो के बराबर लिख दूंगा है ना, तो ये प्लस आई आर जीरो, तो ये आएगा वी आर जीरो और फिर माइनस वी आर वन टू आई आर जीरो। ठीक है, यहाँ मैं समझा रहा, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, आई आर वन प्लस आई आर टू बचा, आई आर वन प्लस आई आर टू की जगह माइनस आई आर जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू आई आर जीरो प्लस आई आर जीरो के बराबर आएगा टू जेड एफ, तो थ्री आई आर जीरो टू जेड एफ के बराबर अपन लिख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन की सहायता से अपन सिक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड थी वी आर वन बराबर वी आर टू, तो वी आर वन यहाँ से वी आर टू के बराबर है इस उस इक्वेशन से। चौथी इक्वेशन थी अपनी कौन सी, ये आई आर है ना, यानी आई आर वन प्लस आई आर टू इक्वल टू माइनस आई आर जीरो के बराबर। आई आर वन अगर यहाँ पे अपन लगाएंगे के सी एल तो आई आर वन इक्वल टू होगा है ना, आई आर वन प्लस आई आर टू इक्वल टू माइनस आई आर जीरो के बराबर होगी। और फिर थर्ड इक्वेशन से ये नेटवर्क बनेगा है ना, इसमें अपन ने देखा वी आर जीरो ये माइनस वी आर वन, यानी ये वी आर वन ये पॉइंट है ये, वो किसके बराबर होगा थ्री आई आर नॉट इन जेड एफ। तो इन तीनों इक्वेशंस को मिला के अपन क्या बना रहे हैं, सीक्वेंस नेटवर्क बना रहे हैं जो कि पैरेलल में है ना, बाय कनेक्टिंग द सीक्वेंस इन पैरेलल पैरेलल में। सीक्वेंस नेटवर्क ये किसका है, एल एल जी फॉल्ट का सीक्वेंस नेटवर्क। इस सीक्वेंस नेटवर्क से अपन देखेंगे कि यहाँ के सी एल जब लगा तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर जीरो बराबर है, तो यहाँ से आई आर वन की वैल्यू अपन क्या निकाल सकते हैं, आई आर वन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, आई आर वन तीनों बराबर है उस पॉइंट पे कि, तो आई आर वन इक्वल टू माइनस आई आर टू प्लस आई आर जीरो को बराबर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर जेड एफ जीरो है जिसको अपन डेड शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तो इसमें अपन क्या तीनों सीक्वेंस वोल्टेज क्या बराबर है, तीनों सीक्वेंस वोल्टेज बराबर, इसका मतलब ऑल सीक्वेंस नेटवर्क कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर एल एल जी, इन तीनों सीक्वेंस नेटवर्क अपन देख रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर ये जेड एफ जीरो हो जाए तो ये इससे कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए तो तीनों सीक्वेंस वोल्टेज क्या है पैरेलल आए, पैरेलल का मतलब है कि तीनों सीक्वेंस नेटवर्क तीनों, ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ये नेगेटिव सीक्वेंस, ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये अपन कर रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट। ठीक है, अब इसी नेटवर्क से थ्रू है ना, इसी नेटवर्क का सीक्वेंस करंट का अपन ज्ञात करेंगे। आई आर वन मान के चलो कि आई आर वन है, ये टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, ये सर्किट है इसमें टोटल करंट आई वन आई आर वन फ्लो रहा है, तो इसका आई आर वन टोटल करंट है, तो टोटल करंट कितना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस, यानी प्री फॉल्ट वोल्टेज, ये तो टोटल वोल्टेज हो गया और टोटल इंपीडेंस निकालेंगे तो ये अलग हो गया, ये अपना अलग है और ये है, तो जेड वन प्लस ये पैरेलल सर्किट, ये भी तो पैरेलल है, तो इसमें ये दोनों सीरीज में जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ, तो इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो जेड वन प्लस नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क पैरेलल है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क का इंपीडेंस पैरेलल होगा जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस का है जेड टू और जीरो का है जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ है ना, तो ये पैरेलल में अपन लिखाएंगे जेड टू इंटू
जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ अपॉन जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ ये आ जाएगा। तो अपना जो इम्पिडेंस आएगा टोटल जेड वन प्लस जेड टू इंटू थ्री जेड जेड एफ प्लस जेड नॉट अपॉन जेड नॉट प्लस जेड टू प्लस थ्री जेड एफ के बराबर है। तो अपन ई अपॉन भाग देंगे तो यहाँ से अपन की ये वैल्यू आ जाती है ना, ये अपनी किसकी वैल्यू है, आई आर वन की वैल्यू है। ये क्या है, आई आर वन इजिकल टू है ई अपॉन जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन उसके सीरीज में था, ये दो पैरेलल सर्किट नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क दो पैरेलल में थे, जेड टू इंटू जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ अपॉन जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ के बराबर ये आई आर। जब आई आर वन अपन को पता लग गया तो करंट डिवीजन के रूल के अपन आई आर टू और आई आर जीरो भी निकाल लेंगे। देखो करंट डिविजल रूल क्या कहता है, करंट डिविजल रूल कहता है कि अगर ज़्यादा इम्पीडेंस होगा तो उसमें कम करंट फ्लो होगा, यानी करंट फ्लो हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इम्पीडेंस के। तो अब मैं मान के चलो कि आई आर टू करंट इस निकालना है, तो ये इस ये इम्पीडेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो आई आर टू अगर मुझे करंट निकालना है तो इजिकल टू माइनस आई आर वन इंटू ये, क्योंकि ये आई आर टू निकालना है तो इसका टोटल इम्पीडेंस जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ अपॉन तीनों का जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ अपना क्या निकलेगा आई आर टू। इसी तरह अगर आई आर निकालना है तो उसके अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस जेड टू है ना, आई आर नॉट इजिकल टू जेड टू इंटू आई आर वन अपॉन तीनों का सम जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ ये अपना आ जाएगा। तो यहाँ से आई आर वन निकाला फिर आई आर टू माइनस आई आर वन इंटू जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ, इसी तरह आई आर नॉट माइनस आई आर वन इंटू जेड टू अपन जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस थ्री जेड एफ के बराबर। इक्वेशन सात आठ नौ कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सिक्वेंस करंट, ये अपन को सिक्वेंस करंट ज्ञात करने के लिए तीन इक्वेशन दिए इनसे अपन सिक्वेंस करंट प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ इसमें ई प्रीफॉल्ट वोल्टेज है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है, जबकि जेड वन जेड टू और जेड नॉट थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के तीनों नेटवर्क हैं तीनों इम्पीडेंस हैं। यूजिंग दीज सीक्वेंस करंट द फॉल्ट करंट एंड सीक्वेंस वोल्टेज कैन बी ऑब्टेंड, यानी इन सीक्वेंस करंट के साथ फॉल्ट करंट भी निकाल सकते हैं और फेज वोल्टेज और सीक्वेंस वोल्टेज, अगर फेज वोल्टेज सीक्वेंस वोल्टेज अपन प्राप्त कर लें तो फेज वोल्टेज अपन प्राप्त कर सकते हैं। आई एफ आई वाई प्लस आई बी के बराबर था, वी आर वन ई माइनस आई आर वन जेड वन के बराबर था, वी आर टू माइनस आई आर टू जेड टू के बराबर है, वी आर नॉट माइनस आई आर नॉट जेड नॉट के बराबर है। ठीक है, अपन को आई आर वन आई आर टू आई आर नॉट तीनों पता है, तो इससे सीक्वेंस वोल्टेज अपन तीनों पता है क्योंकि आई आर वन आई आर टू आई आर नॉट पता है, तो वी आर वन पता कर सकते हैं, वी आर टू पता कर सकते हैं, वी आर नॉट पता कर सकते हैं। अगर ये पता कर सकते हैं तो इस सीक्वेंस वोल्टेज की सहायता से अपन फेज वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो वी आर वाई इजिकल टू ए मैट्रिक्स इंटू वी आर वी जीरो वन टू मैट्रिक्स है, वो फॉर्मूला जो मैंने सीक्वेंस कंपोनेंट में पढ़ाया था वो है, वो अपन निकाल सकते हैं। वी आर वाई बी इजिकल टू वन 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 ए स्क्वायर ए ए ए स्क्वायर वी आर जीरो वी आर वन वी आर टू कहता है। इस की सहायता से अपन एलएलजी फॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अब आई एफ फॉल्ट अपन को पता है आई वाई प्लस आई बी, अब इसमें इसको आई एफ फॉल्ट अगर अपन आप तो करना है तो आई वाई प्लस आई बी निकाल सकते हैं आई वाई आई बी, क्योंकि अपन को सीक्वेंस करंट अपन को पता है, सीक्वेंस करंट का पता है तो उसकी सहायता से फेज करंट प्राप्त कर सकते हैं, फेज करंट अपन प्राप्त कर लिया तो उससे फॉल्ट करंट भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एलएलजी फॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट हुई अपनी। थैंक यू।